Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our medieval history lecture series, this is lecture number 19th. So, आपको याद होगा, in the last lecture we have discussed about Jahangir. तो आज हम उसके आगे continue करेंगे. Today we are going to complete Shahjahan as well as Aurangzeb. तो चलिए start करते हैं आज का lecture. तो देखिए सबसे पहले Shahjahan. Of course, after the death of Jahangir, Shahjahan rule करता है. Time period आप देख लीजिए, 1628 से लेके 1658 AD. ठीक है, तो आपको time period याद रखना है कि around 30 years की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो it has been ruled by whom? Shahjahan. ठीक है, चलिए. Shahjahan famous किस चीज़ के लिए था? हमेशा देखिएगा उसकी Deccan policy और foreign policies की वजह से Shahjahan was very famous. ठीक है, और ये कैसे famous रहा Deccan policy में और foreign policy में, ये भी अभी अपन आगे देखेंगे. ठीक है, याद रखिएगा बंगाल में एक पोर्ट था, दैट इज पोर्ट ऑफ हुबली. ठीक है, यहाँ पर इसने पोर्चुगीज को डिफीट किया था. रीजन ये था, पोर्चुगीज इलीगल ट्रेड में ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो इसलिए उसने पोर्चुगीज को यहाँ पर हराया था. ठीक है, तो रिमेंबर रखना है, पोर्ट ऑफ हुबली में बंगाल में Shahjahan डिफीटेड पोर्चुगीज. ठीक है, अगर मैं डेक्कन पॉलिसी की बात करूं इन विच Shahjahan इज वेरी फेमस, तो याद रखिएगा निजाम शाह, ठीक है, जो अहमदनगर के थे. ठीक है, याद रखिएगा दे अंडर मुगल कंट्रोल, मतलब वो मुगल कंट्रोल के अंदर आ गए. इवन बीजापुर और गोलकोंडा ने भी सरेंडर कर दिया किसके अंदर? मुगल एम्पायर के अंदर. तो आप देख रहे हैं साउथ में, ठीक है, जो प्रॉब्लम है अनस्टेबिलिटी वाला पार्ट है, बीजापुर हो गया, गोलकोंडा हो गया, अहमदनगर हो गए, दीज आर कमिंग अंडर हुम? दे आर कमिंग अंडर मुगल एम्पायर एट द टाइम ऑफ Shahjahan. ठीक है, आगे बात करूं Shahjahan की, बात करूं तो याद होगा आपको इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि जहांगीर है सेड टू हिज सन, दैट इज Shahjahan, कि गो टू खंडार. ठीक है, खंडार जाकर वहां पर अफगानिस्तान में जो प्लेस है वहां पर जाकर उसको कंट्रोल करो, बट एट दैट टाइम ही रिफ्यूज. बट आफ्टर बिकेमिंग द एम्परर, याद रखिएगा Shahjahan रिकवर्ड खंडार. तो जो खंडार था, याद रखिए अफगानिस्तान का पार्ट, इट हैज बीन रिकवर्ड बाय Shahjahan. ठीक है, लेकिन लेटर अगेन ही लॉस्ट दैट प्लेस, मैंने लिखा बट अगेन ही लॉस्ट, मतलब वो प्लेस अगर देखी जाए अफगानिस्तान की, कंदार की बात की जाए, तो वो बार बार कैप्चर की जा रही है, लेकिन बार बार क्या हो रही है? लूज हो रही है. ठीक है, इवन Shahjahan ने अपने डिस्पाइट अपने तीन बेटों को भी वहां पर भेजा था एक्सपीडिशन करने, बट ऑल दीज थ्री एक्सपीडिशन वर फेल्ड. तो कौन से तीन लोग गए थे? याद रखिएगा तीन कैंपेन हुए थे, मुराद जो सन है Shahjahan का, औरंगजेब एंड दारा. इन्होंने कोशिश की टू हैव अ एक्सपीडिशन वेयर इन खानदार, बट दे वॉज फेलियर. तो आपको याद रखना है खानदार को रिकवर्ड किया, बट लेटर इट वॉज लॉस्ट. ठीक है, याद रखिएगा अगर मैं जब भी Shahjahan की बात करता हूँ, तो Shahjahan में हमेशा जो उसके चार बेटे हैं, ऑलवेज रिमेंबर द नेम, पूछा सकता है आपसे एग्जाम में, तो उनके चार सन्स के नाम क्या था? एक का नाम था दारा, दूसरे का नाम था मुराद, तीसरे का नाम था शाह सूजा, और फोर्थ द मोस्ट फेवर वन, जो अगला रूलर बनने वाला है, दैट इज औरंगजेब. तो आपको चार सन जो है याद रखने हैं, आपको पूछा सकता है आपसे कि मुराद के फादर का नाम क्या था, तो आंसर वुड बी औरंगजेब. ठीक है, इन चारों के बीच में ऑफकोर्स वॉर ऑफ सक्सेशन होगा, सब चाहते हैं टू बिकम द एम्परर. तो याद रखिएगा वॉर ऑफ सक्सेशन इन चारों के बीच में होगा, और विक्ट्री वुड बी इन द हैंड ऑफ हुम? औरंगजेब. तो ये याद रखिएगा औरंगजेब विनर निकलेगा 1658 में, ऑफकोर्स जब Shahjahan हटेगा, और औरंगजेब वुड बिकम द एम्परर ऑफ इंडिया. एक खास पॉइंट याद रखिएगा कि जब Shahjahan, सॉरी, जब ये औरंगजेब एम्परर बनता है, उस टाइम पे Shahjahan डाइड नहीं हुआ था, मरा नहीं था. ठीक है, ही वॉज इम्प्रिजेंड बाय जो औरंगजेब एट आगरा फोर्ट. याद रखिएगा आगरा में ही, आगरा फोर्ट में ही Shahjahan को इम्प्रिजेंड रख दिया गया था, और 1666 में मैं बोलूँ, ठीक है, तब उसकी डेथ होती है. ठीक है, तो याद रखिए ऐसा नहीं है कि 1658 में डेथ हो गई Shahjahan की, देन औरंगजेब आया. याद रखिएगा उसके ही बेटे ने हैज़ इम्प्रिजेंड हुम? Shahjahan. तो मैंने लिखा भी इम्प्रिजेंड Shahjahan एट आगरा फोर्ट, वेयर ही डाइड इन 1666 AD, और बरीड कहां किया गया है? दैट इज Shahjahan को ताज, आपने सुना होगा ताजमहल, वहीं पर बरीड किया गया है आगरा में. ठीक है, कभी भी Shahjahan की बात की जाए तो ताजमहल इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोर पॉइंट ऑफ Shahjahan आर्किटेक्चर में अगर बात किया जाए. ठीक है, तो ताजमहल की अगर आपसे पूछा जाए, ताजमहल का कंस्ट्रक्शन ऑफकोर्स आगरा में है, टाइम पीरियड कब हुआ? तो एक्चुअली इसकी इसने अपनी बिलव वाइफ जो थी, जिसका नाम था आपको याद रखिए मुमताज महल, उसके नाम पर ही कंस्ट्रक्टेड व्हाट? ताजमहल. तो मुमताज महल की डेथ होती है याद रखिएगा 1631 AD में. ठीक है, और 1632 AD से ही स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग व्हाट? ताजमहल. 20 साल लगते हैं 1632 से लेके 1653 AD तक, और ताजमहल वॉज क्रिएटेड. तो याद रखिएगा आगरा में है ताजमहल, और वाइफ मुमताज महल, ठीक है, जिसका ओरिजिनल नाम भी पूछा सकता है, तो याद रखिएगा अजुमन बानो बेगम. याद रखिएगा अजुमन बानो बेगम नाम है, तो इट वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ हुम? दैट इज वाइफ मुमताज महल. मुमताज महल की डेथ होने के बाद
ये ताजमहल उसके बिलव हस्बैंड ने बनवाया था, ठीक है, आपको याद रखना है। तो ईयर याद रखना 1631 में मुमताज महल वॉज डाइन, ठीक है। चलिए अगर मैं आगे देख सकती हमेशा बात करता हूँ एट द टाइम ऑफ शाहजहां, तो एक तो अपन ने देख लिया दैट इज ताजमहल विच इज एट आगरा, तीन इंपॉर्टेंट है, रेड फोर्ट आपने सुना होगा जो दिल्ली में है, जामा मस्जिद दिल्ली में है, तो आपको याद रखना है दैट इज रेड फोर्ट, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली एंड ताजमहल, इसमें क्रिएटेड बाय हुम, दैट इज क्रिएटेड बाय शाहजहां, ठीक है। आगे बात करूं मैं अगर इसकी शाहजहां की मदर की, तो आपको याद रखिएगा शाहजहां की मदर का नाम था जोधाबाई, शायद आपने सुना होगा इनका नाम भी, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और शाहजहां के ही टाइम पर, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स आते हैं, उनका नाम आपको याद रखना है, और उनका नाम याद रखिए बर्नियर और ट्रेवेनियर, ठीक है। ये बर्नियर और ट्रेवेनियर जो है याद रखिएगा दे आर फ्रेंच ट्रेवलर, पूछा सकता है बर्नियर और ट्रेवेनियर ये किसके टाइम पीरियड पे आए थे, आंसर बी शाहजहां। और एक और है निकोली, याद रखिए निकोले मानुकी, ठीक है, तो मानुकी है और निकोले मानुकी है इसका पूरा नाम, ठीक है। ही वॉज ए इटालियन ट्रेवलर, ठीक है, ही ऑल्सो विजिटेड एट द टाइम ऑफ हुम शाहजहां, तो कभी एग्जाम में डायरेक्टली फिल्म्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शाहजहां के टाइम पर जो आ सकता है वो है वॉर ऑफ सक्सेशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ बिटवीन द फोर सन्स, फाइनली औरंगजेब वुड बी द विनर, तो ये वॉर को आपको क्रोनोलॉजिकल अरेंज करने को आ सकता है। तो देखिए मैंने वॉर ऑफ सक्सेशन या चार पांच वॉर लिखे हैं, टोटल फाइव वॉर्स लिखे हैं, वो क्रोनोलॉजिकल अरेंज है, ठीक है, उनके ईयर भी मैंने लिख रखे हैं, इवन मंथ भी लिख रखे हैं, इससे आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर सेट करने में दिक्कत ना हो, तो ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है पहला है वॉर ऑफ बहादुरपुर, याद रखिएगा द प्लेस बहादुरपुर, बी से बहादुरपुर, बी से बनारस, ठीक है, फेब 1658 में होता है बिटवीन दारा और उस साइड है शाह सूजा, याद रखिएगा आपको। तो पहला है वॉर ऑफ बहादुर, तो ये आपको याद रखना है। सेकेंड है वॉर ऑफ धर्मत, याद रखिएगा ये अप्रैल 1658 में होता है, और धर्मत की बात करूं तो इट इज नियर उज्जैन, ठीक है। यहां पर क्या होता है, दारा की लड़ाई होती है बिटवीन औरंगजेब एंड मुराद, मतलब औरंगजेब मुराद एक साथ है वर्सेस दारा, ठीक है। नेक्स्ट है वॉर ऑफ सामूगढ़, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसमें लड़ाई हो रही है दारा वर्सेस औरंगजेब एंड मुराद, आप देख रहे हैं इसमें भी औरंगजेब और मुराद है। सामूगढ़ की बात करूं तो आगरा के पास है सामूगढ़, ठीक है, टाइम पीरियड है मे 1658, तो आप देख रहे हैं ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट होता जा रहा है। नेक्स्ट बात करता हूं वॉर ऑफ खाजुआ की, याद रखिए वॉर ऑफ खाजुआ, ठीक है, औरंगजेब वर्सेज शाह सूजा, ठीक है, तो शाह सूजा के साथ वॉर है, और ये जो खाजुआ प्लेस है याद रखिएगा इलाहाबाद में है, कहां पर है इलाहाबाद में, टाइम पीरियड क्या है दिसंबर 1658, अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट होता जा रहा है, ठीक है। फिफ्थ जो है वो है वॉर ऑफ दियोरी, ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा सकता है, औरंगजेब वर्सेस दारा, ठीक है, फाइनली डिसाइसिव बैटल है जिसमें औरंगजेब वुड बी द विनर, है ना, और ये अजमेर में है दियोरी प्लेस। टाइम पीरियड देखा जाए तो मार्च 1659, ठीक है, मार्च 1659 में ये हुआ, तो आप देखना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा सकता है आपसे, या किसके बीच में वॉर हुआ ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो आपको वॉर ऑफ सक्सेशन याद रखने हैं। चलिए आफ्टर शाहजहां वी हैव सीन ऑल द फोर वॉर ऑफ सक्सेशन, अब उसके बाद अगला जो हमारा रूलर आएगा दैट इज गोइंग टू बी द औरंगजेब, टाइम पीरियड वुड बी 1658 से 1707 AD, ठीक है। इसमें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा था आलमगीर का टाइटल किसने लिया था, तो याद रखिए टाइटल ऑफ आलमगीर हैज बीन टेकन बाय हुम, औरंगजेब, ठीक है। इसको जिंदा पीर भी कहते थे, याद जिंदा पीर का मतलब होता था लिविंग सेंट, ठीक है, तो ही हैज गिवन दिस टाइटल अगेन अ जिंदा पीर, तो आपको याद रखना है, ठीक है। याद रखिए कि जजिया जो टैक्स था जिसको अकबर ने अबॉलिश कर दिया था, हटा दिया था, इट वाज रीइंट्रोड्यूस्ड बाय हुम, औरंगजेब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं टेरिटोरियल एरियाज की बात करूं मुगल एंपायर की, तो मैक्सिमम क्लाइमेक्स जिसे अपन कह सकते हैं, मैक्सिमम रीच जो रही है वो रही है औरंगजेब के टाइम पर, दैट्स व्हाई एविडेंट टेरिटोरियल क्लाइमेक्स वाज अराइव्ड एट दैट टाइम, ठीक है। आगे औरंगजेब 1658 से 1707 पर है, तो यार कि 1707 में उसकी डेथ हो जाती है, और ही वाज बरीड एट, याद रखिए दौलताबाद, आपने जगह सुनी होगी दौलताबाद, ठीक है, कुलादबाद इसको भी कहते हैं जगह, यहाँ पर पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह है कुलादबाद, ठीक है, वैसे दौलताबाद में ही वॉज बरेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर औरंगजेब की अगर अपन बात करें तो औरंगजेब का टाइम पीरियड 1658 से 1707 है, बट 1658 से 1681 उसका जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा नॉर्थ एरियाज, ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया में फोकस करेगा, साउथ इंडिया में फोकस नहीं करेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट बहुत सारे रिवोल्ट्स भी हो रहे थे, जैसे कि जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख, राजपूत, और राजपूत में स्पेशली मारवाड़ीज, तो ये सब रिवोल्ट कर रहे थे अगेंस्ट हुम, तो औरंगजेब, तो उसको नॉर्थ में रहना बहुत जरूरी था, बट एट दैट टाइम व्हेन ही वाज फोकसिंग ऑन नॉर्थ, साउथ में मराठास वर बिकमिंग पावरफुल अंडर शिवाजी, तो याद रखिएगा मराठास बिकम पावरफुल अंडर शिवाजी एट दैट टाइम, ठीक है।
अगर मैं औरंगजेब की बात करूं तो औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी आपको हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी, एग्जाम में आ सकती है। तो याद रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मैंने बताया जजिया वॉज री इंट्रोड्यूस, ठीक है, 1679 AD में इंट्रोड्यूस कर दिया था, वापस री इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ही इवन स्टॉप राइटिंग कलमा ऑन द कॉइंस, ठीक है, कलमा एक उर्दू में प्रैक्टिसेस होती है जो लिखी जाती हैं, उसको स्टॉप कर दिया उसने कॉइंस पे लिखने से, ठीक है। देन मुल्तासिब वॉज अपॉइंटेड, मुल्तासिब कौन होते थे याद रखिएगा, जो लोगों की मोरल करेक्टर चेक करते थे, ठीक है, तो ही अपॉइंटेड मुल्तासिब टू चेक द मोरल करेक्टर ऑफ अ पर्सन, ठीक है, तो उसने ये चीजें अपॉइंट करना चालू की, ठीक है। ही इवन बैंड सर्टेन थिंग्स, ठीक है, कुछ चीजों को बैन भी कर दिया उसने, जैसे कि सती वॉज बैन इन 1663 AD बाय औरंगजेब, याद रखना है सती वॉज बैन। हिंदू फेस्टिवल्स वर बैन 1668 AD में, ठीक है। इवन म्यूजिक इन कोर्ट वर ऑल्सो बैन, ठीक है। ये रखिए जारोखा दर्शन, ये क्या हुआ करता था, बालकनी में आके जब एम्पायर, ठीक है, अपना दर्शन देता था, ठीक है, अपनी एक तरीके से कह सकते हैं लोगों से मिलता था, ठीक है, तो वो भी उसने बंद कर दिया था 1669 AD में, ठीक है। इवन यार देखिए तुलादान, ठीक है, तुलादान क्या होता था याद रखिएगा, जो तुलादान एक्चुअली गोल्ड होते थे, ठीक है, जो जो गरीबों को दिया जाता था दान के रूप में, ऐसा होता था कि एक साइड किंग बैठा हुआ है और इधर तोला जाता था, इधर किंग बैठा, इधर गोल्ड रखा जाता था, जितना वेट किंग का निकलता था उतना गोल्ड दे दिया जाता था गरीबों को, ठीक है। तो ये उसने गोल्ड और किंग के हिसाब से जो गोल्ड दिया जाता था गरीबों को, वो याद रखिएगा उसने तुलादान भी बंद कर दिया 1670 AD में। तो आप देख रहे हैं बहुत सी प्रैक्टिसेस ये बंद कर रहा है, ठीक है, आपको याद रखना है। Even at the time of Aurangzeb, he had a conflict with Sikh. कैसे, याद होगा एक जहांगीर था जिसने एक फिफ्थ गुरु को मारा था, गुरु अर्जुन देव को, वैसे इसने नाइन्थ गुरु जो थे उसको मारा था। तो याद रखिएगा गुरु तेग बहादुर द नाइन्थ गुरु ऑफ सिख किल्ड इन 1675 में इसको औरंगजेब ने किल किया था। तो याद रखिए किल्ड बाय हुम, औरंगजेब एट द कौन कौन से गुरु को, नाइन्थ गुरु को, गुरु तेग बहादुर, ठीक है। अब इसके बाद ही जो नाइन्थ गुरु, टेंथ गुरु आते हैं, एग्जाम में पूछा सकता है आपसे, गुरु गोविंद सिंह, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने ही खालसा फॉर्म की, एक आर्मी ऑफ वॉरियर्स थे, क्योंकि ऑफ कोर्स आप देख रहे हैं कि यहां पर डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसके ही अपोजिशन में खालसा फॉर्म की। और लेकिन ही वाज आल्सो, गुरु गोविंद सिंह की बात करूं तो असैसिनेटेड इन 1708 AD आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, एक साल बाद इनका भी डेथ हो जाता है बाय अफगान्स, गुरु गोविंद सिंह। और उसके बाद अपन आगे सब पढ़ेंगे। वैसे बंदा सिंह बहादुर, ही लेड द मूवमेंट ऑफ सिख, तो आपको याद होना चाहिए 10 सिख गुरु थे, ठीक है, उसमें 10th की डेथ हो जाती है, उसका बंदा सिंह बहादुर इस मूवमेंट को लेड करता है सिख की, ठीक है। तो याद रखिए गुरु तेग बहादुर हमारे औरंगजेब के टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसमें लिखा बंदा सिंह बहादुर कंटिन्यूड द स्ट्रगल विद द मतलब एट द टाइम ऑफ सिख, मतलब सिख को लेड जो कर रहा है आफ्टर डेथ ऑफ गुरु गोविंद सिंह इस बंदा बहादुर, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं आफ्टर फोकसिंग ऑन सो मच ऑन नॉर्थ, ठीक है, औरंगजेब ऑल्सो फोकस एट द एंड टाइम ही फोकस ऑन साउथ। तो 1682 से जब तक उसकी डेथ नहीं आती 1707 हिज फोकस वॉज साउथ, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल हैं 1686 में ही एनेक्स बीजापुर, ठीक है, 1687 ही एनेक्स गोलकोंडा, ठीक है, और 1689 से पूरे टाइम ही ट्राई टू एनेक्स दैट पार्ट ऑफ मराठास बट नेवर सक्सेसफुल। तो देयर वाज अ वॉर बिटवीन मराठास एंड औरंगजेब, ठीक है, तो अपन देखेंगे उसमें शिवाजी और इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, बट देयर इज अ स्मॉल टॉपिक विच इज लेफ्ट, दैट इज मुगल्स वर्सेस मराठा, और इसको हम किस टॉपिक में देखेंगे, अपने राइज ऑफ मराठास में। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो है मराठास, उसमें वी आर गोइंग टू डील द शिवाजी वर्सेस औरंगजेब, और पूरा मराठास के बारे में भी वहां पर हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा मुगल एम्पायर था, ठीक है, वो कंप्लीट हो चुका है। आप अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा हो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में इफ यू फाइंड एनी ऑफ द क्वेरीज यू कैन कमेंट एट दैट कमेंट बॉक्स, और इफ यू नीड द हैंड रिटन नोट्स व्हिच आर रिटन बाय मायसेल्फ ओनली, आप चाहते हैं कुरियर के थ्रू आपके घर तक पहुंचे, तो आप उसके लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।